हेलो काफी समय से हम सर का वेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरे जोश के साथ आपका वेलकम करना चाहेंगे। और साथ ही साथ में हमारे झारखंड बिहार मुंबई के सुपरस्टार राहुल सिंह जी जो आज हमारे बीच हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बन्ना सर को एक बूके देके उनको वेलकम करें। करता हूँ जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के सपनों का ये शहर, जहाँ उन्होंने विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुचित सुसज्जित करने का सपना देखा था, उसी सपने को साकार करते हुए यहाँ बहुत सारी कला संस्कृति और अलग अलग तरीके से इस शहर के बहुत सारे लोगों ने अपना नाम और मुकाम ना सिर्फ राज्य स्तर बल्कि देश के स्तर पर और विश्व के भी मानचित्र पे अपना नाम अंकित किया है। और जमशेदपुर शहर को यदि हम देखते हैं तो मैं ये कहूँगा कि ये जमशेदपुर शहर जैसा प्यारा शहर, और इस शहर को यदि हम कहें मिनी इंडिया, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यह विभिन्न भाषा भाषी विभिन्न धर्मों के लोग विविधता में एकता के साथ यहाँ रहने का काम करते हैं, और सब लोग अपनी कला संस्कृति के साथ अपने धर्म के साथ जीना चाहते हैं और उन्मुक्त होकर जीना चाहते हैं। मैं राहुल जी को बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि मैं खुद भोजपुरी का एक बड़ा समर्थक हूं, और आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि आपने एक अच्छी पहल की है। बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी जगहों पर जाना चाहते हैं, लेकिन आपने जहां आपका जन्म हुआ है, आपने जन्मभूमि को ही कर्मभूमि बनाने का काम किया है। और बड़े लोग यहाँ तो प्रकाश झा जी भी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमसे बड़ा उनका गहरा संबंध भी है, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा। और वो भोजपुरी के बड़े नामी चीन हस्ती भी हैं, और एक दिन मैं और प्रकाश झा जी भोजन कर रहे थे टेबल पर, और तभी जो है आदरणीय लालू जी का वीडियो कॉल आ गया। तो मैंने लालू जी से कहा, मैंने कहा गुरु जी, मैं लालू जी यादव जी को गुरु जी कहता हूँ, तो मैंने कहा गुरु जी आपके एक और करीबी हमारे साथ भोजन कर रहे हैं। तो बोले किए हैं मंत्री जी, तो हमने कहा हम नाम नहीं बोलेंगे, लीजिए। जैसे ही लालू जी को दिया तो तुरंत प्रकाश झा जी और लालू जी दोनों भोजपुरी में बतियाने लगे, पूरा बतियाने लगे। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ राहुल जी को। बड़कन के रबड़ी तो सबको खिलाई है, गरीबन के सत्तू खिलावे तो जानी, और अपन अपन घरवा में दियरा तो सबको जलावे, बनवा में दियरा जलावे तो जानी। तो मैं समझता हूँ कि कला संस्कृति का ये जगह में हमारे राहुल जी ने एक नई ज्योति, नई दीप जलाने का काम किया है। और जब एक दीप जल जाता है तो दीप से दीप कितने दीप जल जाते हैं, ये सारा माहौल जो अंधकार होता है वो उजाले में तब्दील हो जाता है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, और मैं जरूर उनसे ये भी निवेदन करूंगा कि वो शूटिंग जब करें तो शूटिंग में जमशेदपुर शहर बड़ा प्रकृति की गोद में भी है,
आप यदि हमारा स्वर्णरेखा नदी में जाएंगे, दो नदियों का समागम है जिसको हमारे हिंदू धर्म के लोग आस्था के रूप में भी हम लोग उसमें मान्यता रखते हैं। सारे धर्म कर्म कांड उसी में हम करते हैं, चाहे बच्चों का मुंडन हो, चाहे हमारा अस्थि विसर्जन हो, या श्राद्ध के कार्यक्रम हो, या मूर्तियों का विसर्जन हो, या हम घर में कोई पवित्र कार्यक्रम करते हैं तो वहीं से पानी भी लाने का काम करते हैं। तो ऐसे रमणीक जगह का आप बेहतर इस्तेमाल करें ताकि ये शहर जो है, ये शहर पर्यटन के क्षेत्र में भी, झारखंड तो जल जंगल जमीन पर है, यहाँ आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको बॉम्बे में नहीं मिलेंगे, महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगे, लेकिन झारखंड के ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ जलप्रपात यदि आप देखिएगा तो लगेगा कि यहाँ से उठने का मन ही नहीं करेगा। अभी मैं एक दिन जा रहा था कोडरमा, बीच में एक देवी माँ का मंदिर पड़ा, तो लोगों ने मुझे वहाँ रोका तो कहा कि यहाँ मंदिर जी थोड़ा रुकिए, यहाँ माँ का मंदिर है, इसमें जरा शीश नवा के जाइए। तो मैं उतरा, एक खासियत थी कि ठंड के समय में इतना गर्म पानी निकल रहा है, ये कोई अभी तक वैज्ञानिक नहीं पकड़ पाया, सैकड़ों सैकड़ों साल से वहाँ बिल्कुल गर्म पानी निकल रहा है, मैंने जब हाथ दिया तो एकदम गर्म पानी है। तो ये झारखंड जो है बहुत सुंदर झारखंड है, और आप इसमें आगे बढ़िए, हम सारे लोग आपको कहीं ना कहीं, सब जमशेदपुर के लोग अच्छे लोग हैं, राजनीति में हो सकता है कि थोड़ा हम लोग नेता लोग हल्का फुल्का मारामारी करते हैं, लेकिन जहाँ झारखंड की समृद्धि की बात होगी, झारखंड की उन्नति की बात होगी, और जहाँ विशेष करके भोजपुरी हिंदी संस्कृति की बात होगी, तो वहाँ मेरे जैसा आदमी एकदम खूंटा ठोक के बोलेगा, हम बानी 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 खूंटा ठोक के बानी। आज के इस फिल्म के इस बैनर के शुभ उद्घाटन में उपस्थित हमारे अनुज झारखंड सरकार के जुझारू मंत्री आदरणीय बन्ना गुप्ता जी, विशेष रूप से आज के कार्यक्रम के आयोजक और हमारे झारखंड के बांटी आदरणीय राहुल जी और उनके सभी साथी को आज के कार्यक्रम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से जो बातें मैं बोलना चाह रहा था उससे पहले पूर्व मंत्री जी ने ये बात को रख दिया है, क्षमा चाहेंगे, पूर्व में ही बोल दिया इन्होंने। तो ये कहना है कि ये आप जो काम बॉलीवुड कर रहे हैं, आप यहाँ अपने जहाँ आपका जन्म स्थान है उसको आपने चिन्हित किया है, ये निश्चित रूप से बहुत ही काबिले तारीफ है। इससे क्या होगा कि जो हमारे और भी साथी यहाँ हैं उनको मन में भी इच्छा होगी, आप एक मार्गदर्शक बनेंगे, एक मेंटर बनेंगे उनके लिए, और आगे बढ़ के भोजपुरी को आपने आगे जो बढ़ाया है, बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, ये भी काबिले तारीफ है। और भोजपुरी तो पूरे दुनिया में बोला जा रहा है अभी, ये जो ये क्षेत्रीय भाषा जो है आप देखेंगे कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं, अपनी छोटी संख्या में हो या बड़ी संख्या में हो, जब हम फिल्म बनाते हैं तो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं देखते हैं, ऐसे पूरे विश्व में उसका देखिए ब्लूटूथ के माध्यम से और भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। तो आपने जो भोजपुरी को बढ़ाने का काम किया है बहुत ही अच्छा काम है, ऐसे आगे बढ़ते रहिए। और आपने जो आज जो चिन्हित किया, जो नेता को आपने बुलाया है, निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत 40 वर्षों से इनको जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ऐसा ज़्यादा ही होगा, लगभग ये 80 के लगभग की बात है, तो एक बरकत है उसमें, आप जो आप कराए हैं ना उसमें आपको बरकत दिखेगा। मैं ऐसा नहीं कि मंत्री हैं इनका ऊपर हम बोलना चाह रहे हैं या इनसे मेरे कुछ बहुत लाभ कुछ मिलने वाला है, लेकिन बहुत कार्य में हमने देखा है कि इनके हाथ से जो विमोचन हुआ है उसमें बहुत ही बरकत होने वाला है। आप सबको, आप सही लोग को आज बुलाए हैं, और इनकी इच्छा होती है कि झारखंड में ऐसे जो युवा साथी हैं उनको बढ़ावा मिले, और बढ़ावा इनका व्यक्तिगत नहीं, ये झारखंड की उन्नति के बारे में निरंतर चलते रहते हैं। जैसे कि अभी जो नदी में आप देख रहे हैं कि इतना सुंदर काम हो रहा है, हम तो कम से कम लगता है दर्जन भर बाद इनके साथ जा चुके हैं, आप लोग भी सबको जाइए वहाँ दुमहानी में देखिए कितना सुंदर काम हो रहा है, मतलब हम तो अपना जीवन काल में कभी नहीं देखे। आप एक झोला भी वहाँ से कचरा निकाल कर दिखा दिए, हम आपको आज यहीं से ऐलान करें, एक झोला ले, ये छोटा सा झोला, एक झोला अभी आपको कचरा नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है।
तो आज के कार्यक्रम में इतना इनके बारे में कहना इसलिए जरूरी था कि इनको भी प्रमोट करना है कि इनको आगे और भी अच्छा काम करने के लिए। तो आज इन्हीं शब्दों से अपने वाणी को विराम दूंगा और राहुल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच हमारे सुपरस्टार हैं जो कि बॉम्बे में काफी फिल्मों में काम, यहाँ पे मैं शूटिंग कर रहा हूँ, वो स्थल हमारे मंत्री जी जो भोजपुरी बोले, मेरा दिल जो है पता नहीं कहाँ से कहाँ स्लिप करके झारखंड में फिर दोबारा शूटिंग करने का दिल इच्छा फिर कर गया, क्योंकि सबसे पहले सबको मंत्री जी को सबसे पहले प्रणाम, राहुल सिंह राजपूत का, मीडिया जितने मीडिया कर्मी हैं, बड़े भैया हैं, सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम राहुल सिंह राजपूत का। और मेरा ये कहना है सर कि जो सर मुझे बताया कि जमशेदपुर में जैसे टिमना लेक, चांडिल डैम, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन है, झील है, झरना है, तो जो ये फिल्म है सती नागे धर्म पत्नी है, इस फिल्म की लोकेशन जितनी भी है, जो भी लोकेशन 80-90% लोकेशन हमारा जमशेदपुर का है, जैसे डिमना लेक, चांडिल डैम, दलमा पहाड़, तो इस तरह से विजया गार्डन, सारे लोकेशन जमशेदपुर का है। इसलिए मैं कोशिश किया, मुझे कॉल आया कि सर इस फिल्म को पोस्टर लॉन्च बॉम्बे में किया जाए, तो मैंने सोचा कि बॉम्बे में लॉन्च करता हूँ तो वहाँ तो लोग मुझे जानते ही हैं, पटना में लोग मुझे जानते ही हैं, जैसे अभी मेरी फिल्म क्यों दीवाना वा नहीं रिलीज हुआ तो काफ़ी वहाँ पे चल रही है, अभी भी वो फिल्म चल रही है, अच्छी चल रही है, लेकिन ये मेरा घर, घर के लोग कब जानेंगे मुझे, तो मुझे एक मौका मिला किस बहाने, बड़े भैया से, मंत्री जी से किस बहाने में मुलाकात करूँ, कैसे मैं उनके सामने रूबरू हूँ, ये मेरे को जैसे पोस्टर लॉन्च एक बहाना मिला और सभी को आशीर्वाद तैयार लेने का एक मौका मिला। तो मेरा यही कहना है कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा यहाँ पे जमशेदपुर के अंदर, तो मैंने ये ट्राई किया अभी बनाकर, जैसे इससे पहले मैं 10 साल वहाँ पे स्ट्रगल किया था मुंबई के अंदर, काफ़ी वहाँ का जो ऑडिशंस लाइन है, लाइन में लगे रहिए, टैलेंट मिला उसके बाद भी दो लोग सिलेक्शन होने के बाद भी फिर आपको साइड होना पड़ता है, मुंबई का लाइन यही है, तो वो स्ट्रगल मैं सोचता हूँ कि जो यहाँ कलाकार हैं जमशेदपुर के, जितने कलाकार जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको ऑडिशन देने जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कमी भी होगी तो उसको मैं चाहूँगा कि उनको यहाँ पे ट्रेंड करके मैं इसमें साथ में अपना भाई को बना के चलूँ, लोकेशन फ्री मिल रहा है मुझे यहाँ पे, तो उस तरीके से आज एक फिल्म बनती है मुंबई के अंदर तो 1000 घर में चूल्हा जलता है, तो मैं इस यहाँ पर जमशेदपुर में जो मैं फिल्म शूट करता हूँ तो कम से कम 200 घर में चूल्हा जरूर जलाऊंगा। उसके बाद क्या है कि लोकेशन के साथ साथ यहाँ का जो अभी मैं जहाँ पर बैठा हूँ, मुझे पता है था माहौल क्या था, मंत्री जी से लेकर सब भैया लोग भोजपुरी बोल रहे हैं, इतना भोजपुरी का यहाँ पे कहते हैं कि जो यहाँ के श्रोतागण से लेकर जितना भी यहाँ पे दर्शक है सभी लोग भोजपुरी बोलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ भोजपुरी मूवी कोई लगाता ही नहीं है, तो मेरा सोच है कि ये सती नागिन भोजपुरी फिल्म लगे तो जितने भी लोग हैं बिल्कुल जाए देखें, और फुल्ली पारिवारिक फिल्म में कहीं कुछ भी इस फिल्म के अंदर में नहीं है। दो लाइन यही कहना है सर कि दोस्तों तन्हाइयों से नहीं, दोस्तों तन्हाइयों से नहीं, मैं महफिलों से डरता हूँ, और दुनिया वालों से नहीं, मैं खुद से डरता हूँ, यूं तो जिंदगी मैंने बहुत कुछ खोया, यूं तो जिंदगी मैंने बहुत कुछ खोया, आज न जाने क्यों ये मंत्री जी का, मंत्री जी का तो लफ्ज जो निकला है भोजपुरी में, कसम से कभी मैं भूल नहीं पाऊंगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर आने के बाद मुझे ये माहौल मिलेगा, ये माहौल ऐसा कर दिया कि मैं फिर से शुभारंभ फिल्म को जो मैं करूं तो मंत्री जी से नारियल तोड़वाकर स्टार्ट से लेकर कहानी कॉन्सेप्ट तक लेकर चलूं, क्योंकि जो इनका दो लाइन मुझे मिला कि जो यहाँ का झील है, झरना है, मैंने भी वही चॉइस किया था। तो सर बस आपका आशीर्वाद, अभी तक मैंने जो भी फिल्म बनाया एज ए हीरो ही काम किया, एज ए एक्टर ही काम किया, आज जो भी फिल्म है जो सती नागिन क्यों दीवाना वाले प्यार के अंजाम, एज ए एक्टर मैंने काम किया, लेकिन यहाँ का जो माहौल और जो बड़े भैया का प्यार मिला है तो मुझे मजबूर कर दिया है अनाउंसमेंट करने के, मतलब कगार पे ले आया कि दो फिल्म यहाँ पे कैसे मैं बनाऊँ, तो बैक सपोर्ट इतना मिल रहा है, आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ बहुत खुशी से, घर के साथ मैं अनाउंस कर रहा हूँ, दो फिल्म है, जैसे मैंने अभी से पहले वर्क किया था जो नाग बना किसी में हॉरर में कुछ अलग करेक्टर निभाया, उस तरीके से मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है वतन के रखवाले, फौजी पे फिल्म है, उसमें मैं फौजी का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, और एक फिल्म है मैं राधा अपने किशन की, दोनों फिल्म हमारा फुली फैमिली ड्रामा और पारिवारिक मूवी है,
ये दोनों टाइटल से भी आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ कहीं ना कहीं कुछ, जैसे सती नागिन धर्म पत्नी ये भी पारिवारिक फिल्म है, उस तरह से उसका भी कंटेंट हमारा है। तो ये टाइटल हमारा है, इसमें बस आप लोग का प्यार आशीर्वाद, बस इसमें हमारे फिल्म के जो प्रोड्यूस किए हैं इसमें दो आदमी का हाथ है, एक सामने यहाँ पे है जनेंद्र कुमार ज्योति जी जो फिल्म को प्रोड्यूस किए और सपोर्ट किए, और इधर है विनोद गुप्ता जी जो फिल्म को पूरा शुरू आदि से स्टार्टिंग से म्यूजिक और डबिंग का काम किया, और इसमें एक और अहम भूमिका है जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, परशुराम सिंह बागी जो शूटिंग में स्टार्टिंग से लास्ट तक हर वक्त हर जगह जितने भी मीडिया भाई को लेकर सबको हर जगह पहुंचे और हर जगह पब्लिसिटी किए कि राहुल मेरा भाई है यहाँ शूट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो जाए। ऐसा जो कंटेंट और कॉन्सेप्ट जो है, मैं बता रहा हूँ कि कंटेंट कॉन्सेप्ट जो है वो मेरी वाइफ स्मिता सिंह है जो कंटेंट लिखी है, और इस कंटेंट को लिखने के बाद इसके बारे में बहुत कुछ बताई तो मैं कोई और फिल्म को ब्रेक कर इस फिल्म को कंप्लीट किया, और सब भैया लोग का बस प्यार आशीर्वाद ऐसी मिलते रहेगा, मैं कुछ ना कुछ आगे करने की कोशिश करते रहूँगा।